हेलो दोस्तों, मैं विशी। स्वागत है आप सभी का करियर कोड हिंदी चैनल में। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। पिछली जो वीडियो थी HTML की, उसमें हमने HTML के बेसिक सीखे थे, बेसिक ओवरव्यू दिया था आपको और एलिमेंट के बारे में भी एक बेसिक आइडिया दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर करियर, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस आते रहते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपसे हम यूज़ करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, जो कि एक IDE है। आप चाहें तो नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें मुश्किल होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करें। ये एक IDE है, एक IDE है, IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इसके थ्रू कोडिंग आसान हो जाती है, काफ़ी फीचर्स होते हैं इसमें। आप चाहें तो दूसरा भी कोई यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबलाइम टेक्स्ट है या फिर कोई और, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, notepad++.org, और डाउनलोड्स में आपको मिलेगा ये लेटेस्ट रिलीज नोटपैड प्लस प्लस का। इसको क्लिक कीजिए और आपका जो पीसी है, अगर 32 बिट है तो ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टॉलर पैकेज, या 64 बिट है तो फिर ये इंस्टॉलर पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक exe फाइल होगा, ये डाउनलोड होने के बाद आपको बस इंस्टॉल करना है। काफ़ी सिंपल है, जो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद डायरेक्टली आप ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है ये इंस्टॉल। तो ये रहा पेज, ठीक है। ये एक बेसिक HTML टेम्पलेट जो है मैंने बना के रखा है। तो HTML एलिमेंट्स जो हैं, वो टैग्स होते हैं, बेसिकली HTML टैग्स होते हैं। तो इसमें स्टार्ट टैग और एंड टैग होते हैं, तो और बीच में जो है कंटेंट होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि HTML एलिमेंट्स में जो है स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग होता है। जैसे कि H1 टैग है, ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और फिर ये H1 टैग यहाँ पर एंड भी हो रहा है, और बीच में होता है कंटेंट। जैसे ये माय फर्स्ट हेडिंग जो लिखा हुआ है, ये कंटेंट है। और तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, यानी कि आप इसको कैप्स में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से अपर केस में। लेकिन जो रेकमेंडेड है वो लोअर केस है, तो हम लोअर केस यूज़ करेंगे मोस्टली। जो लोअर केस ही होता है, जो रीडिंग में भी जो है ये आसान रहता है लोअर केस, तो ये रेकमेंडेड है। ठीक है, तो ये HTML एलिमेंट्स हैं हमारे, HTML टैग्स जो, और इनके बीच में ये कंटेंट। अब जो है HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देखिए, एट्रीब्यूट्स जो है, हर एलिमेंट में एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे H1 एलिमेंट है, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ID डाल दिया और इसकी कोई वैल्यू डाल देंगे ABC। ये आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए आप। तो इस तरह से एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं एक एलिमेंट की, यानी ये H1 की जो एलिमेंट है, इसके अंदर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे के इसको हम जैसा दिखाना चाहते हैं वो इसमें इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। और ये हमेशा स्टार्ट टैग में दिया जाता है, यानी ये जो एंड टैग है इसमें नहीं दिया जाएगा। ये एट्रीब्यूट्स जो है हमेशा हमेशा स्टार्ट टैग में दिया जाता है। और एट्रीब्यूट्स जो है वो की वैल्यू पेयर में होते हैं। तो जैसे कि ये बताया मैंने, ID इज इक्वल टू ABC, ये एग्जाम्पल है। तो इस तरह से एट्रीब्यूट होगा। लेकिन अब आपको मैं इसे शो करता हूँ एक और एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग में जो बेसिकली एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हैं, जो एक ज़रूरी एट्रीब्यूट है वो है SRC, यानी कि इमेज का सोर्स। तो ये इमेज टैग है और ये इमेज टैग का एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो एक इमेज मैंने ऑलरेडी बना के रखी है ये, तो ये मैं दूंगा इस इमेज का नाम .jpg, ठीक है। तो ये हो गया है इसका एट्रीब्यूट, इमेज टैग का एट्रीब्यूट SRC, यानी ये इमेज के अंदर बता रहा है कि कौन सा इमेज दिखाना है।
ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार ब्राउजर पर। तो देखिए ये इमेज आ गया है, इसमें काफी बड़ा इमेज है एक्चुअली। तो अब इस बड़े इमेज को मुझे छोटा करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मैं इसे विड्थ दे सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100 दे दिया, और एक एट्रीब्यूट हाइट। तो ये भी एट्रीब्यूट है, ठीक है। विड्थ हो गया, हाइट हो गया, SRC, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एलिमेंट्स के, इस एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए इमेज का साइज जो है वो छोटा हो गया 100 बाय 100। तो देखा हमने कि कैसे इमेज टैग है और उसके अंदर SRC एट्रीब्यूट है, विड्थ एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट है, और एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं वो है ऑल्ट टेक्स्ट। तो ऑल्ट इज इक्वल टू इमेज का नाम दे सकते हैं स्टोन। तो ऑल्ट टेक्स्ट जो है बेसिकली ये क्रोम ब्राउजर में ऑल्ट टेक्स्ट अभी शो नहीं होता नॉर्मली, अगर इमेज जब लोड होने में कुछ प्रॉब्लम हो तब तो शो करता है, बट ये ऑल्ट टेक्स्ट जो है इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, या फिर हम टाइटल दे सकते हैं। ये टाइटल मैंने दे दिया, तो अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए स्टोन लिख के आ गया है। अगर मैं माउस यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। तो ये जो है एट्रीब्यूट है, इसी तरह से हम H1 को अगर कोई आईडी देना चाहते हैं, ठीक है, ID 1, तो इस तरह से H1 को अभी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। और लिंक देख सकते हैं, एक लिंक का एग्जाम्पल, लिंक का एग्जाम्पल देख सकते हैं हम एट्रीब्यूट के लिए। लिंक इस तरह से क्रिएट होता है, ठीक है। ये ए टैग जो है नॉर्मली लिंक्स के लिए, तो इसमें सपोज मैंने दे दिया कोई नाम, जैसे कोड हिंदी .com, और इस ए टैग को अब मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा HREF। तो इसमें एक लिंक डालूंगा HREF में, जो कि है codehindi.com, ठीक है। और इसको सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखिए ये लिंक आ गया है, और इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये चला जाएगा उस साइट पर। ओके, तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं दोस्तों। आपने जाना एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स यानी कि जो HTML टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो टैग्स के अंदर के एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताया, और एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे ये लिंक है, जब हम इस लिंक को क्लिक करते हैं तो ये इसी विंडो में ओपन हो रहा है, इसी पेज में ओपन हो रहा है, इसी टैब में ओपन हो रहा है। तो इसको अगर हम चाहते हैं कि अलग से टैब में ओपन हो, ठीक है, अभी ये इसी टैब में ओपन हो रहा है, इसको अगर हम चाहते हैं अलग से टैब में ओपन हो, तो उसके लिए और एक एट्रीब्यूट यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, टारगेट, और टारगेट में हम अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे। तो ये एट्रीब्यूट यूज होता है अगर नए टैब में ओपन करना है आपको पेज, तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, और अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए नए टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे HTML स्टाइल्स के बारे में, और HTML कमेंट और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में भी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, धन्यवाद।